वही का महिला बोल रहे हैं, हम लोग वही महिला के साथ हैं जो बोल रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि अंदर में शिक्षा जान है। ये पश्चिम बंगाल में है, संदेश काली में है। अगर संदेश काली में भाग के कहां जाएगा, कालीघाट में ही जाएगा ना। ममता बनर्जी को पता है, शेख बनर्जी झूठ बोल रहे हैं। शेख शाहजहां को बचाने के लिए एक्सट्रीम जितना जा सकते हैं ये लोग जा रहे हैं। जैसे ममता बनर्जी भी पूरा शेख शाहजहां को पूरा छुपा के रखने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा अभिषेक बनर्जी भी चाहते नहीं है कि शेख शाहजहां अरेस्ट हो जाए। इसलिए बार बार कोर्ट के ऊपर मतलब उनका जो हुआ है कोर्ट के ऊपर बोल रहे हैं कि कोर्ट नहीं बोला था, कोर्ट ने रोक के रखा था, और कोर्ट बोल रहा है हम लोग तो मतलब रेडी है। तो मतलब ये पूरा साबित हो रहा है कि लोकसभा तक शेख शाहजहां अरेस्ट नहीं हो जाए और 30% का जो वोट है तो उसको ही नहीं मिले। कि ये जो ममता बनर्जी का सब लोग चाहते हैं कि ये जो वोट बैंक के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसा खराब हो चुका है, फेल हो चुका है, पश्चिम बंगाल का जनता ऐसा लीडरशिप को नहीं चाहता है जो वोट बैंक के लिए लीडरशिप वोट बैंक के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। हम चाहते हैं कि शेख शाहजहां जल्दी से जल्दी अरेस्ट हो जाए, और ये जो संदेश खाली जो महिला ने जो आवाज उठाया है, जो सच बात कैमरा के सामने मीडिया के सामने बोल रहा है, मतलब वो बात एक्चुअल बात सामने आ जाए, उसका फांसी का सजा होना चाहिए। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, वो बोल रहे हैं यहाँ पे सच्चाई नहीं, ये कुछ नहीं है, बीजेपी का प्रोपागंडा है, आरएसएस का, ये सब बोल रहे हैं। तो वहाँ पे गणधर सिंह का गैंगरेप का केस पुलिस ने लगाया ना, 2-3 गैंगरेप का केस लगाया है, जमीन वापस दे रहे हैं। हम लोग मीडिया में देखा जो शेख शाहजहां ने जो क्रिकेट ग्राउंड जो भी है वो ले दखल ले लिया था, उसका जो लिखा था उसमें पेंट कर रहे थे, चुना कर रहे थे, तो मतलब दखल हो गया था इसलिए तो उसको दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, पुलिस के साथ ममता बनर्जी का कोई कम्युनिकेशन नहीं है क्या, कि सामने एक बोल रहा है पीछे में एक बोल रहा है? नहीं, पुलिस मंत्री तो ममता बनर्जी है, पुलिस खुद जाके गैंगरेप का केस कर रहे हैं। तो इसके लिए ये तो एविडेंस हो गया है कि पुलिस रेप का केस दर्ज करा है, पुलिस ग्राउंड जो था क्रिकेट ग्राउंड जो था जमीन तो जो था उसका कैंप बैठा के सबका ले रहे हैं। तो इसका तो सामने आ रहा है, किससे वो छुपाने का कोशिश कर रहे हैं, पूरा देश से, देश का देश पूरा देश देख लिया है कि संदेश काली में महिला लोगों का आवाज देख लिया है। झूठ मूठ बात है, ये सब झूठ है। और डीजीपी को भेजा था वहां पे परिस्थिति देखने के लिए, परिस्थिति कंट्रोल में लेने के लिए, महिला लोगों को थोड़ा सा डराएंगे ये करेंगे, क्या हुआ, पुलिस खुद जाके डीजीपी राजीव कुमार जाके खुद बोले हाँ हमारे से गलती हुआ है। जब डीजीपी खुद जाके गलती हुआ है बोल रहे हैं, तो ममता बनर्जी एकदम इंटेंशनली शेख शाहजहां को छुपा के रखे है, उसको अरेस्ट नहीं करने देंगे क्योंकि 30% का उसका वोट चाहिए। हम भी चाहते हैं, गवर्नर साहब चाहते हैं, गवर्नर साहब के साथ में है, क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा है? सब लोग जानते हैं, उसका परिवार, इसका परिवार लोग जानते हैं, उस परिवार के साथ उसका बात होता है, लेकिन पुलिस नहीं खोज पा रही। 54 days हो गया है अभी तक शेख शाहजहां, वहाँ पे एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था, उनके क्या बोल रहे हैं, हमारे हाथ में छोड़ दीजिए, 5 मिनट में हम लोग सामने लेके आएंगे। अगर ममता बनर्जी पुलिस मंत्री से हट जाए और हमारा ऊपर छोड़ दे, महिला के साथ हम लोग जाके शेख शाहजहां को संदेश काली के कालीघाट के अंदर में भी जाएगा ना, वहां से हम लोग बाहर निकलेंगे और उसको जरूर से जरूर फांसी का सजा दे जाएगा। हाँ, वही का महिला बोल रहे हैं, हम लोग वही महिला के साथ जो बोल रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि अंदर में शेख शाहजहां है, ये पश्चिम बंगाल में है, संदेश काली में है, तो संदेश काली में भाग के कहां जाएगा, कालीघाट में ही जाएगा ना, ममता बनर्जी को पता है।